हेलो जी, राम राम जी, ज्योति व्लॉगर की राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वैसे भी आप लोगों को मेरी सारी वीडियो पसंद आती है, पर ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप लोग बताइए कैसी लगी, ये भी बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अजमेर फैशन शो वीडियो। वहाँ पर जो है अच्छी अच्छी वैरायटी की कुर्ती, साड़ी वगैरह सब मिलती हैं। और कुछ मैं अपने लिए मंगा रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और फिलहाल जो है उसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप लोग चाहे तो आप लोग खरीद सकते हो। एक बार प्लीज लिंक को खोलिएगा और देखिएगा जरूर। और एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, जो बहुत सी घरेलू लेडीज हैं जिनके पास में कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वो अपना घर बैठे बहुत अच्छा खासा एक घर बैठे बिजनेस कर सकती हैं। तो उन लोगों उनको काफी फायदा होने वाला है। किसी भी तरह की कोई वहाँ के किसी भी कुर्ती साड़ी कपड़े में किसी तरह की कोई शिकायत आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। मैं अपने लिए मंगा रही हूँ, तो आप लोग भी मतलब मंगा सकते हो, अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। तो प्लीज लिंक जरूर खोलिएगा और देखिएगा एक बार, और मुझे भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने वीडियो में। आप लोगों से बात करने के बाद मैं अभी यहाँ पर मैं जो है मशीन को साफ कर रही थी। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप जो है मशीन को पानी डालकर मत धोया करो, वैसे ही साफ़ कर लिया करो, पीछे पानी जाता है इसलिए सुखाने वाली मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आज ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर धो लेते हैं। पीछे से नहीं धोएंगे, पीछे से जो है इसकी मट्टी जो है वो साफ़ कर दूंगी। इसमें मट्टी लग रही थी बहुत ज़्यादा, बस आगे आगे से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी अभी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है मैं इसको साफ़ कर रही थी। चलिए अभी मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, धूप में यही सूख जाएगी, फिर इसको अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ से हटा देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। वो मेरी बहुत अच्छी से मशीन जो है वो मेरी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद अभी मैं लगा रही थी हाँ जिन्ने में झाड़ू, तो जिन्ने में जो है बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा था। वैसे तो ये कूड़ा जो है मतलब ऊपर पुराल पड़ी थी, उसका पुराल जो है वो साफ़ कर दिया, छत भी सकेर दिया, फिर भी थोड़ा बहुत कूड़ा जो है मतलब रह ही गया था, वो इकट्ठा कर रखा था मम्मी ने। और मम्मी जो है गोबर पात के आई है, बस ऊपर छत पर गोबर डालना शुरू कर दिया। मैं लगा रही थी झाड़ू जिन्ने में, और अवनी को देखिए बेड ले रही है, उससे खेल रही थी। मैं पूछ रही थी बेटा आप ये क्या बना रहे हो, तो मम्मी बेड का गोल गहरा बना रहा हूँ, ये बता रही थी। गोल गहरा मतलब ये नहीं बोल रही थी कि मैं बेड को लपेट रही। अभी जो है उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है ये नैना पड़ा हुआ था, ये कायरव का काम है। और यहाँ कायरव चढ़ रहा था, मैं उसको देख रही थी, वो है ना बार बार इस पर गाड़ी पर चढ़ रहा था। मैं उसको अभी यहाँ लेकर खड़ी थी, वीडियो बना रही थी, मैंने उसको भी उतार लिया था, पर उसको इतनी आदत ख़राब है बार बार फिर से चढ़ गया। और मैं उसको इतनी निगाह करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा मान जा बाबू, पर नहीं सुन रहा था। उसके पापा भी डांट रहे थे कि नीचे उतारो। और ये है जिद्दी है इतना, बहुत ज़्यादा बोले कि जिद में चोट लग जाएगी। मैं भी कह रही थी कि बाबू नीचे आ जाओ आप गिर जाओगे, तो मैं इसको जैसे पकड़ रही थी एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। बहुत शैतान हो गया है, और भी ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल मैंने इसको वहाँ से उतार कर अंदर बैठा दिया। मैंने कहा बेटा आप अंदर बैठ जाओ चलो वहाँ पे, तो वहाँ पे कर रहा था मामा मेरे को ले लो, मामा मेरे को ले लो, मेरे को नहीं बैठना है इसमें। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी शैतानियाँ बढ़ गई है, एक जगह ये आराम से नहीं रहता है। तो चलिए अभी इसको निकाल लेते हैं, और मैं थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बना रही थी, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और अभी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाहर, मतलब आज जो है टावर वाले आए थे, वो गाड़ी लेकर आए थे, मतलब दूसरा जनरेटर आया था। ये जो जनरेटर इसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, और फिर ये सही हो गया, नहीं वरना 2 दिन के लिए वो यहाँ पर लगता। अभी तो है ये चल गया है। अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर है ना मम्मी ने वो रखे थे पालक, मेथी और धनिया, ये सब चने चने मेथी, ये सब चीज़ें जो है सरसों का साग, ये मम्मी ने यहाँ पर थोड़े थोड़े बो रखे थे। और यहीं पर अभी एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर मम्मी ने एक टमाटर का पेड़ भी, एक क्या 3-4 टमाटर के पेड़ बो रखे हैं, उन पर छोटे छोटे से टमाटर आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे घर के छोटे छोटे से टमाटर कैसे हैं। ये टमाटर देखिए आप किस तरह का, इसका डिजाइन है बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो घर का जो बोलते हैं देसी टमाटर बोलते हैं, देसी टमाटर यहाँ लग रहे हैं, ये लाल हो जाएंगे, सब्जी में काम आएंगे। मम्मी करती है ऐसे ऐसे काम, उनको बहुत शौक है ऐसी ऐसी चीज़ों का। तो चलिए टमाटो भी हमने आपको दिखा दिए हैं, घर के टमाटो हैं।
हमारे। और अभी जो है अवनी और कायरव की चल रही है मस्ती। तो देखिए कायरव अवनी के पीछे बैठा है, अवनी साइकिल चला रही है, दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी इनकी वीडियो बना रही थी, तो कह रही थी मम्मी मुझसे नहीं चल रही है इसको लेकर। मैंने कहा बेटा थोड़ा थोड़ा चलाओ, जब चलाओगे तभी तो चलेगी, तो चलिए चलाते रहो, थोड़ा जोर लगाओ और आराम से। ये प्लेट लेकर वो उसको बजाने शुरू कर दी। ये तो बहुत आराम है, आप लोगों को पता ही है, ये तो किसी को मतलब चैन से रहने नहीं देता, खुद तो नहीं रहता ना दूसरों को रहने देता, पीटता है बस सारे दिन, इसको तो मार पिटाई करना है। थोड़े से जो है संतरे मंगाए थे मैंने, तो ये जो है अब नहीं खा रही थी अभी, और मतलब चार संतरे जो, तीन चार संतरे जो है मोटे मोटे, काफ़ी मोटे मोटे संतरे, काफ़ी सारे चढ़ जाते हैं, कम चढ़ते हैं, बारीक बारीक ज़्यादा चढ़ जाते। थोड़ी सी सब्जी भी लाए थे हम लोग, तो यहाँ पर जो है ये हरा धनिया है, आलू है, अदरक है, लहसुन प्याज है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ी सी सब्ज़ी भी दिखा देते हैं अपनी, आए दिन कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। सब्ज़ी तो बस है ना वैसे ताज़ी ही खानी चाहिए, ये सुना है मैंने, और वीडियो भी देखी है यूट्यूब पर वगैरह पर कि सब्ज़ी रखी हुई सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, ताज़ी सब्ज़ी खानी चाहिए। तो हम बस थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत सब्ज़ी, गुड़ वगैरह ये सब चीज़ें फिर से लाएँ, एक बार पहले लाई थी मैं, अब फिर से लाई हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जो भी कुछ लाती हूँ वो दिखाती रहती हूँ। गुड़ लेकर आए थे, फिर थोड़ा सा मोल का ही गुड़ खाते हैं ये लोग जो है, मतलब चीनी खाते हैं, टमाटर है, खीरा है, ये लोग जो है मतलब कच्चा मीठा खाते ही नहीं है, ये लोग शुरू से ही चीनी खाते हैं। तो हम लोगों को भी यहाँ पर आकर थोड़ी सी ऐसी आदत हो गई है, पर धीरे धीरे हमारी छूट जाएगी, ऐसे पड़ गई है छूटने की, अब आदत हो गई हमको भी मीठा, ऐसे ही इनकी तरह मीठा खाने की। तो फिर धीरे धीरे शाम का टाइम हो गया था और मुझे करनी थी कुछ कपड़ों पर प्रेस, तो चलिए प्रेस कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। कडवे कडवे मम 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 ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, यहाँ यहाँ कर लो। जीजी आ जा बेटे, हो ना गिर जा बाबू, शट अप बॉक्स ले, अब नहीं पाँव मुड़ गया, बस बस, अरे गिर गया। मम्मी 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 बेटा मुंह बच्चे पक जाएगी, वो गंदी बात। एल भी आयो रखा रखा ऐसा, हम एक का ड्रेसिंग के करने कारू, ओ काय रहो लो बेटे, गुड्डा रहन दे, मैं अपना आप सिखा दूँ, फट जा कर ऐसे अभी। तो चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। जी हाँ, आज आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम लूँगी, मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लूँगी आप लोगों का। तो पहले तो बताइए मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, और कैसी लग रही हूँ मैं आज? मेरे को लग रहा है मैं अच्छी लग रही हूँ, मैंने एक काम करा लिया है, बहुत गंदा लग रहा था, मैंने अपने टीथ जो है वो सही करा लिए हैं बिल्कुल। बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि दीदी आपका टीथ जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप अपने टीथ ठीक कराओ, ठीक कराओ, बहुत गंदे लगते हैं, मैंने ठीक करा लिए हैं। तो प्लीज़ बताइए कैसे लग रहे हैं आपको मेरे टीथ। बेटा ये कितने आलू लाए हो? एक आलू लाया है हमारा अवनु, और कह रहा मम्मी इसकी सब्जी बना लो। हाँ बेटे, नहीं जीजी को नहीं हटाते। तो अभी सोचा कि आप लोगों से, हाँ जी मेथी के पराठे खाएगा आज, अवनी की फरमाइश हो रही है मेथी के पराठे खाने की। हाँ बेटा अभी अभी कट करेंगे, तो मेथी के पराठे खाने के लिए कौन कौन आ रहा है जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि आज हमारी बेटी की फरमाइश है मेथी के पराठे, उसको बहुत पसंद है मेथी के पराठे, और वैसे तो मुझे भी पसंद है पर मैं इतने ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगने वाली है प्लीज़ ज़रूर बताइए, और जो मैं आप लोगों के साथ शुरू वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रही हूँ वो ज़रूर एक बार लिंक ज़रूर खोल के देखिएगा प्लीज़ मेरे लिए, और जिस किसी को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे वहाँ की वीडियो वगैरह, साड़ी कुर्ती वगैरह का लिंक वीडियो को खोलने के बाद में जो भी कुछ अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली थी, वो पता नहीं कहाँ पर है, यहाँ नहीं है शायद। मैंने जो है एक ट्राईपोड मंगाया है मीशो से, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, बहुत पसंद आया, मतलब बहुत अलग है, सब ट्राईपोडों से अलग हटकर है कुछ, बहुत प्यारा लगा मेरे को। और मुझे आप लोगों को एक मैंने वीडियो में बोला था कि कुर्ती भी दिखानी है, आज नहीं दिखा पाऊँगी मैं, कल आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट
और एक कमेंट मुझे याद था कि आप ज़्यादातर है ना बस काम की ही वीडियो बनाते हो। देखिए ज़्यादातर पूरे पूरे दिन में मुझे ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, काम ही ज़्यादा होता है पूरे दिन। घर में मुझे इतना काम रहता है बहुत ज़्यादा, तो मैं काम की ही ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काम से फुर्सत हो तो कुछ बनाए खाएँ, कुछ अलग सा दिखाएँ, पर काम ही घर में इतना रहता है। छोटे बच्चे का साथ है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है मेरा काम में जाता है, और ज़्यादा क्यों जाता है काम में, बस कायरों की वजह से। वो थोड़ा 1-2 साल की और थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, जब कायरों समझ जाएगा फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, फिर बहुत आसानी से मेरा काम जो है कम्प्लीट हो जाया करेगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। कुछ अपना अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, अपना आप को बदलने की, अपना कुछ अच्छा और तरीके बदलने के, रहन सहन के, सब चीज़ों की कोशिश करूँगी। अलमारी को लेकर कुछ कमेंट आ रहे थे कि भद्दे लग रहे हैं, जी हाँ जल्दी मैं इनका कुछ इलाज करने वाली हूँ, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत भद्दी लग रही है। और अभी जो है मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो का एंड तो मैं कर चुकी थी, पर मुझे किसी का नाम लेना है, पूजा विश्रोणी है शायद उनका नाम, और उनकी जो है आज शादी की सालगिरह है। तो आपको आपकी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आप हर साल अपने पति के साथ अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।